संतों की महानगरी कहा जाता है और भारत में अनेक महान संतों ने जन्म लिया है। ऐसे ही आज के कलयुग में एक महान पूजनीय संत हैं, जो देश के कल्याण के लिए 21 दिन की तपस्या में विराजमान होते हैं। और यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वे कई साल से देश के कल्याण के लिए गर्मी के महीने में तपस्या करते रहे हैं। इससे पहले उनके परम पूजनीय गुरुजी ने इस तपस्या की शुरुआत की थी। देश में पारा हाई है, पर जिस पर साक्षात भगवान की कृपा हो तो उस पुण्य आत्मा के लिए क्या सर्दी, क्या गर्मी और क्या मानसून। बार बार घंटीदास की जय। जयकारा महाकाली का मूल सच्चे दरबार की रिकाली मध्य न्या देर लगाई माजोत पेली नवे भगत जी की अटल साधना और कठोर तपस्या प्रभु की महिमा से शुरू हो चुकी है। बाबा किशनदास होली वाले मंदिर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और माताओं और बहनों ने भजन गाते हुए भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भजन प्रोग्राम के दौरान माताओं ने मंदिर में चार चांद लगा दिए और भजनों पर नृत्य करके भगवान को रिझाया भी। बाबा नवे भगत जी ने भरी दोपहर में चारों तरफ अग्नि जलाकर कठिन तपस्या की, जहां भक्तों ने उनके चारों ओर परिक्रमा भी लगाई और परिक्रमा के दौरान सुंदर भजनों का गायन भी किया और साथ ही जयकारों से चारों दिशाओं को गुंजायमान भी किया। खास बात यह रही कि गर्मी की परवाह किए बगैर भाटी खुर्द गांव में नवे भगत जी भगवान की भक्ति में डूबे रहे और अपने आप को इस सौभाग्य से अवगत किया। के घेरे में बाबा नवे भगत जी विराजमान होकर तपस्या के अंदर मग्न रहे। चारों ओर कलावे के घेरे में बाबा नवे भगत जी विराजमान होकर तपस्या में मग्न रहे तथा तपस्या से उठने के बाद भक्तों ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।